नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए हिमांगी शखी किन्नर मैदान में आ गई हैं, सीधे ताल ठोक रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। लेकिन हिमांगी शखी को लेकर काशीवासी क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हिमांगी शखी के बारे में क्या सोचते हैं, किन्नर चुनाव लड़ने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? अरे भाई, महाभारत काल में भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया गया था भीष्म पितामह को नर्वस करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को नर्वस करने के लिए लोगों ने जानबूझकर इस तरह का षड्यंत्र किया है। कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ हिमांगी महामंडलेश्वर, कोई इसकी तुलना थोड़ा ही है। हिंदुत्व की चेहरा है और हिंदू की बात करने वाली चेहरा, आपको नहीं लगता है कि हिंदू की और उत्थान करेगी? नहीं, हिंदू का उत्थान तो करेगी ही। सब हिंदू घरों में उनका बड़ा बरकत होता है शादी विवाह में। हिंदू महासभा ने भी बैनर से खड़ा है चुनाव में। हाँ हाँ, तो नाच गा के तो वोट तो पाएगी, नाच गाएगी। तो इस बार ये यानी हिजड़ा लोगों को नचा देगी, मोदी को भी नचा देंगे क्या? हिजड़ा हो नाचेगा भाई, थोड़े तान ताकर आकर दुनिया मान। हाँ, वोट पाएगी। बिल्कुल। और भी लोग हैं, हिमांगी शखी हैं, किन्नर चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में हम नहीं विचार? अच्छा, मान लीजिए कि एक लोग हिजड़ा चुनाव लड़ रहा है मोदी के खिलाफ, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, जाए भाई घर का जो है यजमानी है। हाँ, अब उसका जो है लहर बना रहा है, लहर बन रहा है। हाँ, यानी मोदी हारेंगे इस बार? नहीं, उसकी लहर बन रही है। हाँ, यजमानी के होने के साथ। हाँ, यानी मिजाज बन गया है यजमानी। हाँ, यजमानी। यजमानी का मतलब क्या है, घर घर जाता है ना, बच्चा उच्चा होता है उसी के जो है पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, कोई से 1000 लेता है, कोई से 500 लेता है। और भी लोग हैं, हिमांगी शखी को लेकर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए उतर गई है? ऐसा चुनाव जो है सबको लड़ने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे कोई किन्नर हो चाहे कोई भी हो, इसलिए वो लड़ रही है, अपना उसकी इच्छा है लड़ने की। आप लोग लड़ रहे हैं? अरे, रोड की बात तो बात की बात है। हाँ, जबकि अभी तो वो सामने आए, पर्चा भरा है, उसके बाद सोचा जाएगा, अभी क्या सोचा जाएगा। लग रहा है मजबूत कैंडिडेट है? मजबूत कैंडिडेट अभी क्या है, जब तक नाम आने के बाद ही पता लगता है। अच्छा, जब तक दाखिल नहीं होगा। हाँ, मोदी के खिलाफ चुनौती देने के लिए किन्नर आ गई है, क्या कहेंगे? हम मोदी को चुनेंगे। हाँ, हम मोदी को चुनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को चुनेंगे, क्या है किन्नर नहीं चुन सकते हैं? नहीं नहीं, उनके सामने कोई नहीं है। किन्नर तो कह रहा है कि मोदी नहीं है मेरे सामने। किन्नर कहा जाती है जो है। मोदी के सामने कोई चेहरा है ही नहीं है। अरे, किन्नर तो आ गया है। अरे, उससे क्या मतलब है? फटाका वगैरह लगा के सब और लोग थोड़ा सा मोदी के खिलाफ किन्नर चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे? थोड़ा वोट काटेगी, थोड़ा बहुत वोट। किसका वोट काटेगी, बीजेपी का? बीजेपी का। बीजेपी तब तो मुझे बुरी तरह से हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उनका जो सब सेटिंग है। अच्छा, सेटिंग है, किसमें सेटिंग है? अरे, सब जितनी लाठी हो की भाई। हाँ, वो मोदी जी यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और क्या कहेंगे हिमांगी शखी को लेकर भैया, आप क्या मानते हैं? हम तो उनको अभी देखे नहीं है, देखेंगे तब ना। हाँ, कि प्रधानमंत्री के सामने टिक पाती हैं कि नहीं, तो जाएगी, देखने पे पता चल जाए। चल रहा है। हाँ, अभी तो उनका शकल भी नहीं देखे हैं। शकल देख लीजिए यूट्यूब। हाँ, देख लेंगे तब वही हिसाब से बात होगा। वो प्रधानमंत्री है, उसका गरिमा है भाई। हाँ, प्रधानमंत्री का एक गरिमा है भाई, देश का प्रधानमंत्री है, उसके आगे तो कोई है ही नहीं है, ये तो बात का बात है। लेकिन अब देखिए, कह रहा है कि इस बार हराएंगे? नहीं, ना हराएगा, उसका मशीन भी सेटिंग है, मशीन में सेटिंग है, उसका अधिकारी है। चुनाव आए तो आप क्या कहेंगे भैया? हम क्या कह रहे हैं, मोदी का धोती खोलेगी, बड़ी करारा आई है उनको हरवाने के चक्कर में, लेकिन मोदी हारेंगे नहीं। ये हमको जब धोती भी खुलवा रहे हैं और हारेंगे भी नहीं, हारेंगे नहीं, जब धोती खुल गया तो समझ लिए चुनाव हार गए, ये होता है। नहीं, हारेंगे नहीं, उनका मशीन में सेटिंग है। देखिए, तो हिमांगी शखी को लेकर अपनी अपनी राय लोग दिए हैं, क्या कुछ होगा चुनाव में, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।